समानार्थी शब्द। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं। इस पाठ में ऐसे ही समानार्थी शब्दों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत चित्र में चार मित्र आपस में बात कर रहे हैं। पहला मित्र मोहन कहता है, हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा मित्र दिनेश कहता है, नारी सदैव पूजनीय है। तीसरा मित्र महेश कहता है, इस देश की महिलाओं का तो क्या कहना। वहीं चौथा मित्र सोहन कहता है, औरतों के लिए मेरे मन में बहुत आदर है। बच्चों, चारों मित्रों ने अलग अलग नाम से नारी के प्रति अपने सम्मान को प्रकट किया। जैसे मोहन ने स्त्री शब्द का प्रयोग किया, दिनेश ने नारी शब्द का प्रयोग किया, महेश ने महिला शब्द का प्रयोग किया और सोहन ने औरत शब्द का प्रयोग किया। ये चारों शब्द संज्ञा का एक ही अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए हम कुछ अन्य शब्दों के समानार्थी शब्दों को जानते हैं या कुछ अन्य शब्दों की पर्यायवाची शब्दों को जानते हैं। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं भूमि, वसुधा, धरा। अब हम आग के समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे। तो आग का पर्यायवाची शब्द है अग्नि, अनल, ज्वाला। हाथ का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हस्त, कर, पाणी। संसार का समानार्थी शब्द विश्व, जगत, लोक। पुष्प का समानार्थी शब्द फूल, कुसुम, सुमन। इसी तरह कमल का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द जलज, पंकज, राजीव। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं कि अभी तक हमने इस पाठ से क्या सीखा। तो हमने सीखा कि जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं।